नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, यदि आप एक CSAVL हैं अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि CSA में एक और नई सर्विस आने वाली है जिसके आ जाने से लोगों की सुविधाएं तो बढ़ेगी प्लस आपकी इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज के वीडियो में चर्चा करेंगे कि CSA में कौन नई सर्विस आने वाली है और उसमें कैसे आपको काम करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि CSA में कौन नई सर्विस आने वाली है। लेकिन इसके पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से CSA के पल पल की खबरें मिलती रहती है तो जो भी सरकारी योजना होता है उसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी मिलता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि CSA में वह नई सर्विस कौन आने वाली है। दोस्तों, CSA की इस नई सर्विस के बारे में जानने के लिए हम लोग ट्विटर पर आ जाते हैं और यहाँ ट्विटर पर आप देख सकते हैं दिनेश त्यागी सर ने ट्वीट किया है। यहाँ उन्होंने लिखा है, राशन कार्ड रिलेटेड सर्विस टू सिटीजन वुड बी नाउ अवेलेबल थ्रू CSA MOU साइन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि फूड एंड सिविल सप्लाई के द्वारा MOU साइन किया गया है और राशन कार्ड की सर्विस CSA सेंटर में शुरू हो जाएगी। इसके आ जाने से काफ़ी सुविधाएं बढ़ जाएगी। आपको राशन कार्ड बनाने के लिए दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग CSA सेंटर से राशन कार्ड बना पाएंगे और वहीं से सारा काम होगा। यदि आप राशन कार्ड में कोई ईमेल जोड़ना चाहते हैं, राशन कार्ड को आधार से लिंक करना चाहते हैं, मोबाइल से लिंक करना चाहते हैं, सारी काम CSA सेंटर से हो पाएगी। तो ये जो सर्विस है बहुत जल्द CSA सेंटर में शुरू होने वाली है राशन कार्ड की, क्योंकि MOU साइन हो चुका है फूड मिनिस्ट्री के द्वारा। इसके बाद बहुत जल्द ये सर्विस CSA में लॉन्च होने जा रही है। बहुत बड़ा सर्विस है, CSA में आने से लोगों की सुविधाएं तो बढ़ जाएगी प्लस CSA VLE का जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगा। तो यह एक विशेष सूचना है जो आपको देना था। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय VLE साथियों।